अच्छा डायलॉग है। अच्छा तुम्हारे तो से मेरे तो पूरे हैं ना, पुलिस स्कूल है हमारा। टीचर ना पहचाने ज्यादा स्कूल में, अगर कोई भी नाम आए स्कूल ऑन रिकॉर्ड है बता, मेरी क्या घटना बी कॉम मार्क्स के बेसिस पे बी कॉम एडमिशन मिला, मेरिट बनती है जाने नहीं तो पहचान गए अब। उसके बाद मैं क्या हुआ, एम कॉम प्रीवियस, एम कॉम फाइनल पास हो गया, अब मार्कशीट ले एम कॉम। मैं छोटी बड़ी छोटी के बाद मार्कशीट लेने ये होता टीचर ना पहचान पहचान गए तो मारा नहीं पहचान होती पहले ही मार मारी मूवी देख के आए कौन से मारी असल जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं यही बोलता है सर वो कहते हैं किसी का बात से कॉलेज जा रहे हैं स्कूल पढ़ रहे हैं तो कॉलेज जाना गलत हो। क्वेश्चन नंबर 18 चलो ध्यान से देखो 18 18 वाला पूरा बता रहा हूँ मैं। विथ लेजर सस्पेंस का अकाउंट बनाना है क्वेश्चन नंबर 16 से मैंने बनाया थी। ठीक चलो ध्यान दो इधर। पहला पॉइंट गुड्स परचेज फ्रॉम ट्रेडर, ट्रेडर से सामान खरीदा क्या एंट्री करोगे? परचेज अकाउंट डी आर टू ट्रेडर, परचेज अकाउंट डी आर टू ट्रेडर करेक्ट। परचेज अकाउंट दिया टू ट्रेडर क्या लिखा है ध्यान से समझो। गुड्स परचेज फ्रॉम ट्रेडर 5 रुपीज 50 पैसा क्रेडिटेड एज 55 इन हिज अकाउंट। बात समझना आपको लिखना था 5 रुपया 50 पैसा 5 रुपया। अब हिज अकाउंट का मतलब ट्रेडर के अकाउंट में ये लिख दिया, ट्रेडर के अकाउंट में कितना ज्यादा लिख दिया, ट्रेडर के में लिख दिया 55। लिखना था क्या 55.5 और ट्रेडर के हिज मतलब ट्रेडर उसके अकाउंट में लिख दिया 55। अब ये कौन सा एरर है? सर ज्यादा ओवर कॉस्टिंग है केवल एक में, इसमें ट्रेडर ओवर में क्या हो जाता है अपोजिट ट्रेडर अकाउंट सस्पेंस अकाउंट। अब कितना ज्यादा लिखा 49 55 रुपए लिखा है आपने, लिखना था 5.49.50 कितना ज्यादा लिख दिया 49.50 इतना ज्यादा लिख दिया। बात पल्ले पड़ी है नहीं? दूसरा पॉइंट देखो, अ डिसऑनर्ड चेक 200 रिटर्न बाय बैंक वॉज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट एंड डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
एक चेक तुमने दिया था बैंक में जमा करने के लिए, वो चेक कैंसिल हो गया, वापस आ गया, तुम उस चेक का क्या करोगे? कस्टमर को वापस करोगे, तुम एंट्री करोगे कस्टमर अकाउंट डीआर टू बैंक, कौन है बैंक? तुमने गलती से क्या लिख दिया? बैंक को क्रेडिट कर दिया और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट। तो बैंक और बैंक क्वेश्चन कह रहा है, देखो लिखा क्या है, रिटर्न बाय बैंक वॉज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट एंड डेबिटेड इन बिल सिस्टम, डेबिट में बिल सिस्टम लिख दिया, क्रेडिट में बैंक लिख दिया, बैंक कट गया, कस्टमर अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवर, कस्टमर अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवर, कितनी वैल्यू है? ये हो गया दूसरा वाला, थर्ड वाला बताओ, क्या लिखा है? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स वापस किया, क्या एंट्री बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर टू कस्टमर, गड़बड़ क्या हुई? डेबिट टू हिज अकाउंट, यानी हिज मतलब कस्टमर का अकाउंट तो तुमने कहाँ लिख दिया? अब ये एरर कौन था? डेबिट क्रेडिट से डेबिट हो गया, क्रेडिट से डेबिट चला गया, तो वापस क्रेडिट कर दो, कस्टमर अकाउंट यहाँ क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डीआर, अब एक अमाउंट है कि दो अमाउंट है? एक ही है, एक अमाउंट है तो डबल कर दो, 10.62 है ना? यस सर, हो गया 4, हो गया 2, हो गया 1, 21.24 प्लांट को भेजा तो क्या एंट्री बनेगी? प्लांट अकाउंट कैसा आया? प्लांट गया, गलती क्या हुई? आगे लिखा देखो, विच वॉज इंटर्ड इन सेल्स, आपने क्या एंट्री कर दी? कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स, कैश कर दिया, सेल अकाउंट डी आर टू प्लांट अकाउंट, कई बार प्लांट की जगह मशीनरी लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, प्लांट और मशीनरी दोनों एक ही चीजें हैं, प्लांट में ही मशीन होती है, इसलिए लिखते हैं प्लांट एंड मशीन, तो कई बार क्या करेगा, एक जगह प्लांट लिखेगा दूसरी जगह मशीन लिखेगा, कंफ्यूज मत होना, एक ही है। पांचवा नंबर, दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा नंबर, अ ट्रेडर हु वाज अ डेटर ऑफ 60 वाज नॉट रिटेन इन द ट्रायल बैलेंस, एक डेटर था जिसको आप लिखना भूल गए, डेटर कहाँ लिखा होता है? डीआर पे, डेटर अकाउंट डी आर लिखना भूल गए, लिख दो, खाली जगह ये बची, कितने का था? 60 बताओ, क्या गड़बड़, कहाँ नहीं समझना है? क्या लिखा है? अ ट्रेडर हु वाज अ डेटर, एक डेटर है 60 रुपए वाज नॉट रिटर्न इन अ ट्रायल बैलेंस, एक डेटर है और डेटर कहाँ होता है? It's not written. नहीं, तो लिख दो भाई, डीआर में रहता तो डीआर में लिख दिया, अगर लिखा उसी के लिए देता, a creditor is not written in trial balance, creditor कहाँ होता है? credit में, तो two creditor लिख देते ऊपर तो suspense, अगली लाइन पढ़ो क्या है, a creditor gave 2.3 as discount, creditor ने तुमको discount दिया, इसको अगर discount देगा तो तुम्हारे लिए discount क्या है? इनकम, ऊपर क्या आ जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट दिया, कितना रुपए था? 2 रुपए, 31 31 पैसे, ठीक है, कितना डिस्काउंट मिला? गड़बड़ कहाँ हुई? वाज इंटर्ड इन हिज अकाउंट, हिज मतलब कस्टमर में लिखा, बट नॉट पोस्टेड इन डिस्काउंट, डिस्काउंट में नहीं लिखा, कौन सा एरर है सर? ये ओमिटेड, ओमिशन, और ओमिशन में दो होते हैं, पूरा भूले कि एक तरफ भूले, जो भूले उसका नाम लिख दो, भूले कहाँ में हो? डिस्काउंट में, और जो सही होता है उसकी जगह क्या आ जाता है?
कितना है? ₹2.30। यस सर। यहाँ तक कोई समस्या? सस्पेंस अकाउंट, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पहली लाइन पढ़ो, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया होगा। पढ़ो क्या लिखा है। स्टार्टिंग व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस श्री बढ़िया फाउंड देयर इन द डिफरेंस ऑफ 85.95 इन द ट्रायल बैलेंस। कितने का डिफरेंस मिला? 85.95। तो ये लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का था? 85.95। अब देखो कैसे सॉल्व। इसके बाद लेजर बनता है ना, यहाँ के पार्ट भी पार्ट है। दूसरा नाम कहा? एक सिंपल तरीका पकड़ो, सस्पेंस उसके उल्टे तरफ क्या नाम लिखा है? ट्रेडर अकाउंट डी आर, उसको लिख दो सी आर। बाय अब ये आसान तरीका बता रहा हूँ, आसानी से कैसे करा जाए, उल्टा कर देना है बस। सस्पेंस कहाँ है? नहीं है, नहीं है। सस्पेंस कहाँ है? हाँ सर, क्रेडिट में। अब उल्टा दूसरा नाम कहाँ लिखा है? दूसरा नाम कहाँ लिखा है? क्रेडिट में लिखा है ना, तो डेबिट में। कितना बस सिर्फ सस्पेंस का? 20.1। आ जाओ अगला, सस्पेंस है इसमें? इसमें है दूसरा नाम डी आर, तो कहाँ लिख देंगे? सी आर पे। क्या लिखा है? कितनी वैल्यू? 60। क्रेडिट में है, डेबिट में चला जाएगा। इसमें डन डन। अब मारो टोटल, टोटल कितना? 109.50। अगर ये टोटल इक्वल आ गया इसका मतलब तुम्हारे सारे एरर सही से रखे, नहीं तो ये बैलेंस बचा है ना। यस सर। हम इधर बैलेंस बचा है। अरे क्वेश्चन आता है जिसके बैलेंस नहीं दिया होगा, अगर मान लो ये नहीं दिया बैलेंस, तुम्हारे से तो बैलेंस निकाल लिया है साहब, जब बैलेंस सीधी लिख दी सर। ये सब क्वेश्चन नहीं मान रहे ना, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 का भी सर, तो हो जाते 16 में मान के क्या 16 वाला कराएंगे लगाओ ना, मैं बताऊंगा ना सर। 19 19 लगाओ ना, 19 लगा दिए सर, दिला दीजिए। लगा लगा ले, आधा घंटा है खत्म कर लगा के।